थैंक यू बच्चे, टीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, समझे ना। और हिंदी में क्लास 9 में तो आपने पढ़ लिया है, जो सिलेबस पढ़ा है। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है पता है आपको? हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्लीज़ नोट कीजिए। हिंदी व्याकरण, अच्छा हिंदी के कितने बच्चे हैं बेटे, हाथ ज़रा उठाइए। तो 1, 2, 3, 4, 5, थैंक यू। तो पहला लिखा जाए, वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से पढ़ाए थे। अब लिखिएगा बना रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्य भेद, उसके बाद दूसरा लिखिए पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, इसको भी नोट कीजिएगा। पद परिचय के अंतर्गत इतना पढ़ना है आपको। ठीक है, बहुतों को याद होगा, इसमें आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वाच्य पढ़ना है, और वाच्य को हम वॉयस कहते हैं इंग्लिश में, वॉयस। वॉयस तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होइएगा। उसके बाद रस, इतना आपको पढ़ना है, समझ गए। मात्र इतना ही पढ़ना है आपको साल भर में, मात्र बहुत कम है। हाँ, उसके बाद कृतिका से और क्षितिज से। कृतिका है बुक आपके पास, कोई खरीदा है? अभी नहीं खरीदा है, ला उसका भी लिख दें। कृष्णा खड़े हो? नहीं लाए हो? अच्छा, कल आप नेक्स्ट डे जब भी क्लास हो ले आइएगा, मैं बता दूँगा। हाँ यस, पता चल जाएगा, आप फ़ोन से पूछ सकते हैं सर से। अच्छा ठीक है, पूछ लीजिएगा। चलिए, तो
रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आप लोग तो पढ़े होंगे। स्टैंड अप प्लीज। कितने होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 20 की 25 5। थैंक यू, योर आंसर इज रॉन्ग बेटे। चलिए, अच्छा संस्कृत हिंदी है ना। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप 9 में पढ़े हैं, नहीं याद किए, बोल दीजिए ना। हम बहुत ऑप्शन दे रहे हैं, 10 की 20 की 25। ऑप्शन 3 को दे दिए, एक और दे दें, दो ही, एक मिनट, ऑप्शन 4 को दे देते हैं, 10 8 15 20। 20 होगा, वेरी गुड, थैंक्स। तो 20 होगा, आप बोल दीजिए 21 कितना है? शायद 8 को होगा, तो शायद इनका सही भी है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। तो 8 वेद है, तो सुन लीजिए, और इनको नाम भी याद है। खड़े हो जाइए। नाम ही याद है 8, बोल दिया जाए बेटे। निषेध, एगो बोल दिया। निषेध का अर्थ क्या होता है बेटे? निषेध का क्या अर्थ होता है? नहीं, निषेध माने क्या होता है? निषेध का क्या अर्थ होगा? नेगेटिव अर्थ होता है, नहीं। ठीक बोला। क्या नाम है आपका? पीयूष नाम है आपका? पीयूष का क्या अर्थ होता है? अमृत, कम। पीयूष जरा लिखा जाए बेटे हिंदी में। हाँ लिखिए, ठीक है। हाँ ठीक है, हिंदी में लिखिए। इसको ऐसे करें हैं या कृष्ण की तरह या ऐसे कहें, ठीक कीजिए इसको, या ऐसे होगा, ठीक से लिखिएगा। दीर्घु है, दीर्घु है, थैंक्स, गो। तो इन्होंने सही लिखा, इसके लिए धन्यवाद। कौन स्कूल से आए हैं बेटे? केंद्रीय विद्यालय, ठीक, वेरी गुड। तो अब है, अब रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। नहीं, कृष्णा सब जानता है, तुमसे ज़्यादा जानता है। हाँ चलिए, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 8 होते हैं, 20 21 नहीं होता बेटे। विधि, विधिवाचक वाक्य, विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा और संकेतवाचक वाक्य। हाँ थैंक यू, खड़े हो जाइए, अब मौका दे रहे हैं, स्टैंड अप। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? हाँ वेरी गुड, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। संकेत होता है जो किसी कंडीशन या शर्त पर आधारित है, जो किसी कंडीशन या शर्त पर आधारित है, वैसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा समय पर होती तो किसान के फसल नहीं सूखते, नहीं, यदि समय से आप पढ़े होते, यदि समय पर आप पढ़े होते तो नहीं भूलते। हिंदी है कि संस्कृत है? हाँ तो बाद में, अभी धैर्य रखिए, प्लीज़ कीप पेशेंस। तो अब है यहाँ बनावट या रचना की दृष्टि से वाक्य के मात्र 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य,
आप देखिए सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस प्लीज। हिंदी वाले बच्चे डिस्टर्बेंस फैलाओगे तो भेज देंगे। हाँ आप चुपके से चले जाइए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए क्लास को। तो सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, जिस वाक्य में सुनो ध्यान से पहले, जिस वाक्य में अच्छा एक खड़े हो जाओ बेटे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय। मोहन पुस्तक पढ़ता है ना, इसमें इसमें कर्म पढ़ता है या मोहन है? हाँ पढ़ता है, वेरी गुड थैंक्स, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म मोहन है या पढ़ना है या है? पढ़ता है या है, क्या है? पढ़ता, वेरी गुड थैंक्स, योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग। चलिए मिस्टर कृष्णा स्टैंड अप, स्टैंड अप, नहीं खड़े हो जाओ। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म मोहन है या पढ़ता है या है? पुस्तक होगा, यस दैट इज राइट। किसको पढ़ता है मोहन? पुस्तक को पढ़ता है। कारक आप जानते हैं कर्म कारक क्या होता है? कर्म को, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है ना, क्रिया, यहाँ क्रिया पढ़ना क्रिया है या फल किस पर पढ़ रहा है? पुस्तक पर। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। किसे पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। तो कर्म हुआ या कर्म हुआ या क्या हुआ? मोहन क्या हुआ बेटे? संज्ञा हुआ। क्या हुआ मिस्टर? खड़े हो, मोहन संज्ञा है। मोहन क्या हुआ इसमें? संज्ञा तो हम जान रहे हैं, लेकिन है कर्ता, बोलो ना। देखो वो बता रहा था तुमको कि कर्ता बोलो ना, नहीं दैट इज फार बेटर देन यू। चलो यहाँ देखो, मोहन कर्ता है और पुस्तक कर्म है या क्रिया है और यह हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। अंडरस्टैंड? तो जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया और सहायक क्रिया हो वह वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य होता है। वह वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य। फिर से सुनो, जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया और सहायक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। इन विच सेंटेंस, हिंदी में? अच्छा अच्छा, जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया और सहायक क्रिया हो उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। अब चलिए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मिश्र वाक्य, नो डिस्टर्ब, हाँ फिर गप करना ही नहीं है, सुनना है, तो जाइए ना। हाँ चलिए, तो मिश्र वाक्य सुनिए ध्यान से। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और दूसरा, या ऐसे कहिए, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य संयोजक अव्यय से जुड़ा होता है,
संयोजक अव्यय से जुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? ठीक, उसे मिश्र वाक्य कहेंगे। रेस्ट अगले दिन पढ़ाएंगे, अब संस्कृत वाले को थोड़ा सा पढ़ाते हैं।